Good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS and other state PCS exams, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and today we will cover part second of the topic magazines, books and their authors. Part one में बच्चों हम लोगों ने गुरमुख निहाल सिंह तक कवर कर लिया था. इनसे जुड़ा हुआ एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ही वॉज द गवर्नर ऑफ राजस्थान फ्रॉम 1956 टू 1962. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और कुछ PYQs हम लोगों ने सॉल्व किया था. रिमेनिंग पॉइंट्स को बच्चों आज के टॉपिक में सेशन में हम लोग कवर करेंगे. उससे पहले आप लोगों के सामने हर बार की तरह एक बार फिर से मैं जो है एक कोटेशन कहना चाहूंगी, ताकि लेक्चर की शुरुआत में ही आप लोग मोटिवेट हो जाएं और पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुने, समझें. इवन आप कह सकते हैं आप जहां कहीं भी हो, जब भी मेरे सेशन को सुन रहे हो, आप वहीं से जो है मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि मैं जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, उस एग्जाम को मुझे क्लियर करना ही करना है. जैसे कि कोटेशन में आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगी बच्चों, जो मजा अपने दम पर सफल बनने में है, जो मजा अपने दम पर सफल बनने में है, वो मजा करोड़ों अरबों की दौलत में भी नहीं है. एक और कोटेशन कल के सेशन में जो है, कल एक शॉर्ट्स मैंने प्रोवाइड किया था, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे मैंने एक लाइन बोली थी, मुझे इश्क है अपने दिल में धड़कती सिविल सर्विस एग्जाम की जुनून से, मुझे इश्क है अपने दिल में धड़कती सिविल सर्विस एग्जाम की जुनून से, मुझे इश्क है अपनी बातों में झलकती यूपीएससी के जिक्र से, मुझे इश्क है अपने दर्पण में दिखते हुए एक IAS के अक्ष से. तो ध्यान रखिएगा, इस कोटेशन के साथ ही आज के सेशन को हम शुरू करने रहे हैं. चलिए अब हम शुरू करते हैं. पहला पॉइंट हमारे सामने लिखा हुआ है, मींस आज की लेक्चर का जो पहला पॉइंट है, वहां से हम देखते हैं बच्चों, जीएन नोटेशन की हम बात कर रहे हैं. जीएन नोटेशन वाज द एडिटर ऑफ द बुक कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस 1935 में. देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा हुआ है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के जो है एडिटर कौन है. जीएन नोटेशन जी जो है बच्चों इसके एडिटर रहे हैं. दिस बुक वॉज पब्लिश इन टू पार्ट. एक और पॉइंट सपोज कीजिए, अगर यूपीएससी के लिए क्वेश्चन हम बनाते हैं तो यहाँ से लिख सकता है कि क्या जीएन नटेशन जी जो है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस इस बुक के एडिटर रहे हैं. क्या कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस ये जो बुक है एक पार्ट में पब्लिश की गई है या फिर दो पार्ट में पब्लिश की गई है. तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस वॉज पब्लिश इन टू पार्ट. जो पहला पार्ट है इस कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस बुक की, जिसके एडिटर रहे हैं जीएन नटेशन साहब, उसका पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ, कंटेन द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस फ्रॉम 1885 टू 1910. तो ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को पता है 1885 में ही कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया जाता है. तो इसी जो पहला पार्ट था इस कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस बुक में, इसमें फ्रॉम 1885 से लेकर के बच्चों 1885 से लेकर के 1910 तक जो है लिखा हुआ कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के बारे में जो है मेंशन किया गया है. वहीं जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट जो है इसका कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस जो बुक है वो वहां पे जो है मेंशन किया गया है इसी चीज के बारे में, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के बारे में ही 1911 से लेकर के 1934 तक. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में. देखिए क्या लिखा हुआ, जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग ही वॉज जेल्ड इन अहमदनगर फोर्ट. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग ही वॉज जेल एट अहमदनगर फोर्ट 1942 से लेकर के. बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, 1942 से लेकर के 1945 की बात कर रहे हैं. 1942 से 45 तक जो है जवाहरलाल नेहरू जी अहमदनगर जेल में थे, अहमदनगर फोर्ट के फोर्ट जेल में थे. और यहीं पे इन्होंने जो है एक बुक लिखा था जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज. अब सीधा सीधा पूछता है भारत की खोज किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, भारत की खोज बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है. इसी ही हम जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहते हैं. तो होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स. प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स.
यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू जी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो भारत की खोज या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जवाहरलाल नेहरू जी किस जेल में बंद थे जब उन्होंने इस किताब को लिखा था? तो ध्यान रखिएगा अहमदनगर फोर्ट की हम बात कर रहे हैं। नेहरू रोड द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही लिखी गई है। तो यहाँ तो आप लोग को दो चीज पता चल गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं द ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की। बोथ आर रिटन बाई द जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बंदी जीवन। बंदी जीवन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, बंदी जीवन लिखा गया सचिंद्रनाथ सन्याल जी के द्वारा, या फिर क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा कि सचिंद्रनाथ सन्याल जी के द्वारा कौन 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 सी बुक लिखी गई है आपके सामने। सपोज कीजिए ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस, और हिंद स्वराज, और फोर्थ लिखा हुआ है बंदी जीवन। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बंदी जीवन जो है सचिंद्रनाथ सन्याल जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से लेकर के 1850। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 1850। ये लिखा गया है बच्चों, ये जो रिपोर्ट है ये लिखी गई है बाई स्लीमेन, स्लीमेन के द्वारा लिखा गया है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 1850। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितनी भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कमिंग एग्जाम्स, एंड आप ये कह सकते हैं इन सभी पॉइंट से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप लोग को नहीं भी पता होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आप लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि आप लोग जो है ऋचा यूपीएससी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो सभी चीजें आप लोग को पता चल गई है कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 1850 किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है बच्चों स्लीमन के द्वारा, और पब्लिश किया गया था दो वॉल्यूम में, इन टू वॉल्यूम्स इन द लंदन। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से जो है हम एक मोटिवेशन कोट जो है कहना चाहेंगे आप लोगों के सामने, आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज एन अचीवमेंट एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ही कभी जो है रातों रात या फिर रातों रात जो है आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगा, ये एक प्रकार का अचीव, इट इज एन अचीवमेंट, और इसके लिए जो है बच्चों आप लोग को फुल्ली प्रिपेयर होना होगा, तभी जो है आप अपनी गोल को अचीव कर पाएंगे या फिर जो है सक्सेस को पा पाएंगे। ठीक है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी सेशंस मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ, जब भी मैं आप लोग को ये लेक्चर ही जब भी आप सुन रहे हैं, आप तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एंड कोशिश कीजिएगा कि अपनी फ्रेंड सर्कल में इन सभी लेक्चर्स को शेयर करने के लिए, सो दैट मैक्सिमम बच्चों को जो है मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिल सके। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिस्कस करते हैं इंडिया सेकेंड फ्रीडम। इंडिया सेकेंड फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। इंडिया सेकेंड फ्रीडम वॉज अ बुक रिटन ऑन जेपी नारायण बाई एम जी देवाशयम। तो अब देखिए यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज, यहाँ अगर इस स्टेटमेंट को हम सीधा सीधा चेंज कर दे कि इंडिया सेकेंड फ्रीडम वॉज अ बुक रिटन बाई सॉरी रिटन ऑन एम जी देव सहवम ऑन सॉरी रिटन ऑन एम जी देवशहवम बाई जेपी नारायण, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यूपीएससी में ऐसे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, पर ध्यान रखिएगा इंडिया सेकंड फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं। ये बुक लिखा गया है कि जेपी नारायण जी पे, किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों ये बुक, ये बुक लिखा गया है एम जी देवशर्मन के द्वारा, देवशहवम के द्वारा जो है लिखा गया है बच्चों। किसके ऊपर लिखा गया है? ये लिखा गया है जेपी नारायण जी के ऊपर। ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, एम जी देवशहयम ये बुक लिखा है इन्होंने, इंडिया सेकंड फ्रीडम, और किसके ऊपर लिखा गया है ये बुक बच्चों, ये लिखा गया है जेपी नारायण जी के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द अनटोल्ड स्टोरी, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, द अनटोल्ड स्टोरी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जनरल ब्रिज मोहन कौल के द्वारा जो है द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है, जनरल ब्रिज मोहन कौल इन्होंने लिखा है द अनटोल्ड स्टोरी, और ये
की जो अनटोल्ड द अनटोल्ड स्टोरी है, पब्लिश किया गया था 1967 में, ध्यान रखिएगा, द अनटोल्ड स्टोरी बुक जो है पब्लिश किया गया था 1967 में, किसके द्वारा लिखा गया? जनरल ब्रिज मोहन कौल के द्वारा लिखा गया है। आखिर में इस द अनटोल्ड स्टोरी जो 1967 में पब्लिश की गई थी, इसमें मेंशन क्या किया गया है? थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के इतिहास पे जो है जनरल ब्रिज मोहन कौल के द्वारा जो किताब लिखी गई है द अनटोल्ड स्टोरी, उसके बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। बच्चों सभी पॉइंट्स को जो है आप नोट करते हुए चलिएगा, जो आपको जो चीजें आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी है उन पॉइंट्स को आप लोगों से रिक्वेस्ट है नोट करते हुए चलिएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एंड इन सभी पॉइंट्स से जितनी भी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी पॉइंट से एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वहां आपको देखने को मिलेगा कि हाँ सभी पॉइंट्स से जो है जितनी बातें मैम ने डिस्कस की हैं सभी जगह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। हंस क्रिश्चियन एंडरसन इन हिज राइटिंग्स रोट अबाउट फेरी टेल्स। अब हम लोगों ने क्या देखा कि फेरी टेल्स के बारे में जो है किसने लिखा है कि सॉरी किसने जो है लिखा हुआ है, तो हंस क्रिश्चियन एंडरसन की हम बात करते हैं। हंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा बच्चों लिखा गया है अपनी इनकी जो राइटिंग्स हैं, जो बुक्स हैं, उसमें इन्होंने जो फेरी टेल्स के बारे में लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है क्रिश्चियन एंडरसन, क्रिश्चियन एंडरसन की, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। द स्ट्रीट फास्ट की हम बात कर रहे हैं, टिन सोल्जर की बात करें, द स्नो क्वीन की बात करें, द लिटिल मरमेड की बात कर रहे हैं, एंड थंबेलिना एटसेट्रा, इन सभी के ऊपर जो ये सभी राइटिंग्स हैं किसकी? हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की। एंड इन सभी राइटिंग्स में इन्होंने जो फेरी टेल्स के बारे में लिखा है, द स्ट्रीट फीस्ट, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, द स्ट्रीट फास्ट, टिन सोल्जर, द स्नो क्वीन, द लिटिल मरमेड एंड थंबेलिना, द स्ट्रीट फास्ट, टिन सोल्जर, द स्नो क्वीन, लिटिल मरमेड, थंबेलिना एटसेट्रा। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया सभी चीजें आप लोगों को। हम नेक्स्ट द गोल्डन गेट की हम बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों द गोल्डन गेट के बारे में। द गोल्डन गेट रिटन इन 1986 इन द फर्स्ट नोवल बाय विक्रम सेठ। अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा पूछा हुआ है कि गोल्डन गेट किसके द्वारा लिखा गया है? गोल्डन गेट लिखा गया है बच्चों विक्रम सेठ के द्वारा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गोल्डन गेट के बारे में कि गोल्डन गेट किसके द्वारा लिखा गया है, तो द गोल्डन गेट जो है विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था बच्चों 1986 में। ये जो है पहली नोवेल थी, इज द फर्स्ट नोवेल बाय द विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ की पहली नोवेल थी द गोल्डन गेट, जो कि 1986 में लिखी गई थी। उसके बाद हम देखें द साइलेंट स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसके भी बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। साइलेंट स्प्रिंग रसल कार्सन ने जो है लिखा है साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने देखा रसल कार्सन रोट द रोट साइलेंट स्प्रिंग। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा रसल कार्सन के द्वारा जो है साइलेंट स्प्रिंग लिखा गया। ही वॉज अ फेमस अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। फाइन, रसल कार्सन, इन्होंने जो है साइलेंट स्प्रिंग लिखा, ये फेमस अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। इन दिस बुक साइलेंट स्प्रिंग की जो हम बात कर रहे हैं, आखिर साइलेंट स्प्रिंग में क्या लिखा है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। इन दिस बुक क्वेश्चंस आर रेज्ड ऑन यूज ऑफ पेस्टिसाइड, किस प्रकार से कीटनाशक दवाई पेस्टिसाइड्स जो है यूज की जा रही है, उसी के बारे में जो है जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे रसल कार्सन, उनके द्वारा साइलेंट स्प्रिंग में लिखा गया है। द सैटेनिक वर्सेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सलमान रश्दी के वरश्दी के बारे में जो है आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सलमान रश्दी ने जो है बच्चों इस द सैटेनिक वर्सेस को लिखा था। द सैटेनिक वर्सेस इज द फोर्थ नोवेल ऑफ द सलमान रश्दी। हिज फर्स्ट पब्लिकेशन टुक प्लेस इन 1988। अब ध्यान रखिएगा 1988 में जो है इनका पहला पब्लिकेशन आता है सलमान रश्दी का, और इनका जो फोर्थ नोवेल है उसी में जो है आप सॉरी आप कह सकते हैं कि जो सैटेनिक वर्सेस की हम बात करें, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द सैटेनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई, तो द सैटेनिक वर्सेस बच्चों सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई थी, ये इनकी जो है फोर्थ नोवेल है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं, यहाँ हम लोगों ने देख लिया सलमान रश्दी की जो फर्स्ट पब्लिकेशन थी 1988 में ये लिखी जाती है। दिस बुक वॉज इन द न्यूज फॉर सम टाइम रिगार्डिंग
वेरियस कंट्रोवर्सीज, तो यही जो सैटेनिक वर्सेस की हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा कि जो है आपका बेसिकली आप कह सकते हैं कि सलमान रुश्दी की जो बुक्स आती हैं अक्सर वो कंट्रोवर्सी में ही रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, द नेम शेक की हम बात कर रहे हैं। द नेम शेक वॉज द फर्स्ट नोवल ऑफ द झुंपा लहरी। अब देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, द नेम शेक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया। द नेम शेक बच्चों झुंपा लहरी के द्वारा लिखा गया, ये इनका फर्स्ट नोवल था द नेम शेक। द नेम शेक क्या जो है ये क्या था, झुंपा लहरी का पहला नोवेल था और झुंपा लहरी इज अ पुलित्जर प्राइज विनर। अब देखिए यहाँ से जो है यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा जो है आपसे लिख देगा कि झुंपा लहरी से रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और इस स्टेटमेंट से बताइए कौन सा पेयर करेक्ट है। क्या झुंपा लहरी की पहली नोवेल जो द नेम शेक है, दूसरा पॉइंट है क्या झुंपा लहरी जो है पुलित्जर प्राइज विनर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है क्या इन्हें जो है इंटरप्रेटर ऑफ माल मेलोडीज का जो मेलोडीज दिया गया, ही गॉट दिस अवार्ड फॉर द इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज। हम देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये पूछेगा कि सॉरी ये पॉइंट आपसे पूछेगा कि झुंपा लहरी के द्वारा जो पुलिस झुंपा लहरी को जो पुलित्जर प्राइज दिया गया था आखिर उनको किस चीज के लिए दिया गया था, कौन सी ऐसी इन्होंने जो है नॉवल लिख दी जिसके लिए उन्हें जो है पुलित्जर प्राइज दिया गया। तो द इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज जो है झुंपा लहरी के द्वारा लिखा गया था उसी के लिए जो है झुंपा लहरी को पुलित्जर प्राइज दिया गया है बच्चों। इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव विच ही रोट इन 2000। ठीक है, मानस का हंस की हम बात कर रहे हैं। अगर मानस का हंस इज अ प्रेस्टीजियस नोवेल ऑफ द अमृतलाल नागर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पूछता है कि मानस का हंस किसके द्वारा लिखा गया, मानस का हंस लिखा गया है बच्चों अमृतलाल नागर के द्वारा। तो हम लोगों ने देख लिया द नेम शेक की हम बात करते, नेम शेक जो है पहला नोवेल था झुंपा लहरी का, झुंपा लहरी को पुलित्जर प्राइज दिया गया था इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव के लिए दिए मेलोडीज के लिए दिया गया था जो कि उन्होंने 2000 में लिखा था। मानस का हंस की हम बात कर रहे हैं बच्चों, मानस का हंस एक प्रेस्टीजियस नोवेल है जो कि लिखा गया है अमृतलाल नागर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा, जनरली द स्टोरी इज रिटन अराउंड द लाइफ ऑफ द तुलसीदास हु रोट रामचरितमानस। तब देखिए रामचरितमानस से ही जो है ये मानस मानस शब्द जो है यहीं से लिया गया रामचरितमानस से। रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है उन्हीं के लाइफ के बारे में बच्चों कह सकते हैं, रिटन अराउंड द लाइफ ऑफ तुलसीदास, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था उसी के बारे में मानस का हंस जो है लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सुमित्रा नंदन पंत की हम बात कर रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोएट ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो हम लोगों ने क्या देखा, क्या सुमित्रा नंदन पंत जी एक पोएट थे, तो हाँ ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ रोमांटिस्ट पोएट। देखिए रोमांटिस्ट पोएट जो है आपसे पूछेगा कि क्या सुमित्रा नंदन जी जो है रोमांटिस्ट पोएट थी, तो यस ही वाज द रोमांटिस्ट पोएट। इनकी जो फेमस वर्क है वो कौन कौन से, सुमित्रा नंदन पंत जी की चिदंबरा की हम बात करें, चिदंबरा, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों चिदंबरा, देन लोकयातन, देन वीणा, देन युगवाणी, देन पल्लव, देन भारत माता गरम ग्राम वासिनी एंड कला और बूढ़ा चांद, ये सभी की सभी जो है लिखे गए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करना चाहेंगे आके सुमित्रा नंदन पंत जी के जो है वो फेमस वर्क कार्य कौन कौन से जो उनके द्वारा लिखे गए हैं। चिदंबरा, ध्यान रखिएगा बच्चों चिदंबरा की हम बात कर रहे हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, चिदंबरा, देन लोकाटन, देन वीणा, देन युगवाणी, देन पल्लव, देन भारत माता ग्राम वासिनी कला और एंड बूढ़ा चांद की हम बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम देखते हैं, जस्ट वेट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने देख लिया सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा कौन कौन सी चीजें लिखी गई थी। अब हम आते हैं बच्चों जेके रॉलिंग की, जेके रॉलिंग ने जो है हैरी पॉटर लिखा था। कुछ बहुत पुराना ये क्वेश्चन नहीं है, अगर हम हैरी पॉटर वाली बात करते हैं तो हैरी पॉटर जो है लिखा गया है जेके रॉलिंग के द्वारा। और ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स में
जो भी बुक्स मैगजीन्स के बारे में डिस्कस किया गया होगा, किसी के द्वारा भी लिखा गया हो, चाहे पॉलिटिशियन के द्वारा लिखा गया हो, चाहे किसी राइटर के द्वारा लिखा गया हो, उन सभी के बारे में आप जरूर पढ़ करके जाएंगे। अगर आप 2024 या 2025 का पेपर देने जा रहे हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर और जिस भी न्यूज़पेपर या मैगजीन को आप फॉलो कर रहे हैं वहां पे जरूर जो है इस मैगजीन वाला टॉपिक को कवर करके जाइएगा। बहुत ज्यादा बुक्स वहां पे नहीं मेंशन होते हैं, लेकिन पढ़ करके जरूर जाइएगा कि किसके द्वारा जो है कौन सी किताब लिखी गई है। तो हम लोग ने देख लिया हैरी पॉटर जो है जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया, जिसमें इन विच कॉर्नेलियस फज इज अ मैजिक मिनिस्टर। जब आप इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों ना, तो वहां पे लिखा हुआ था हैरी पॉटर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आए थे, एक एक पॉइंट लिखा था कि हैरी पॉटर के राइटर जो है जेके रॉलिंग रहे हैं, दूसरा पॉइंट था कि उसमें जो है मैजिक मिनिस्टर, आप लोगों ने जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है हैरी पॉटर जरूर देखा होगा, उसमें जो है मैजिक मिनिस्टर का रोल किसने किया था, तो मैजिक मिनिस्टर का रोल बच्चों कॉर्नेलियस फज के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, मृगनैनी वाले जो पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, मृगनैनी इज अ नोवेल रिटन बाय द, मृगनैनी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, मृगनैनी इज अ नोवेल रिटन बाय वृंदावन लाल वर्मा। तो देखिए वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा जो है मृगनैनी नोवेल लिखा गया है। आपने सीधे कहा ना, मृगनैनी नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है, वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। जो मेन नोवेल है इसकी मृगनैनी, ये क्या है नोवेल है, लिखा क्या है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। हिज मेन नोवेल्स आर कौन कौन सी है बच्चों, वो झांसी की रानी, झांसी की रानी, भुवन विक्रम, देन संगम लगान, देन अहिल्या बाई एटसेट्रा। तो ध्यान रखिएगा वृंदालाल वर्मा के जो कुछ और बुक्स हैं, जैसे कि अभी हम लोग ने मृगनैनी के बारे में पढ़ लिया, उसके अलावा कौन कौन सी है बच्चों, झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम लगान, लगान, देन अहिल्या बाई एटसेट्रा, ये सभी के सभी लिखे गए हैं वृंदालाल, वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें आप लोगों की क्लियर हो रही होंगी। थोड़ी सी चीजें और जिसके रूप में हमें डिस्कस करनी बाकी है, एंड पहले मैं बता दूं, जब आप थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, जो मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे रिचा यूपीएससी क्लासेस में, वहां पे जो है बच्चों कुछ बुक्स के ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि बुक्स रिटन बाय द बुक्स एंड देयर ऑथर्स वाला टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये जो है यहाँ पे जो कुछ मुझे नई बुक्स के नाम मिल गए थे, नए ऑथर्स के नाम मिल गए थे, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए बच्चों फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, बिखरे मोती की हम बात कर रहे हैं, बिखरे मोती, बिखरे मोती द शॉर्ट पब्लिश्ड बाय द सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए सुभद्रा कुमार चौहान, ये जो है बिखरे मोती की हम बात कर रहे हैं, बिखरे मोती किसके द्वारा लिखी गई थी, सुभद्रा कुमार चौहान के द्वारा 1932 में। बिसाइड दिस सुभद्रा कुमार चौहान जी ने जो है लिखा है उन्मालिनी एंड सीधे साधे चित्र। तो देखिए बच्चों उन्मालिनी और सीधे साधे चित्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। उन्मालिनी, ठीक है, उन्मालिनी हो गया एंड सीधे साधे चित्र प्लस बिखरे मोती, ऑल दीज आर रिटन बाय द सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चार्ल्स डिकेंस की हम बात कर रहे हैं बच्चों। चार्ल्स डिकेंस रोट द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड पब्लिश इन 1849 to 50। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चार्ल्स डिकेंस रोट द नोवेल, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा एक नोवेल लिखा गया जिसे हम कहते हैं डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, जो कि 1849 से लेकर के 1850 के बीच में पब्लिश होता है। ये जो नोवेल थी डेविड कॉपरफील्ड, जिसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, चार्ल्स डिकेंस रोट द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड, इस नोवेल में जो है बच्चों आप कह सकते हैं किसके लाइफ के बारे में लिखा गया है, चार्ल्स डिकेंस की लाइफ पे जो है आधारित है ये बुक डेविड कॉपरफील्ड। प्राउडेस्ट डे की हम बात करते हैं, द प्राउडेस्ट डे, द प्राउडेस्ट डे क्या लिखा हुआ है, द प्राउडेस्ट डे
चलिए यहाँ देखते हैं, द प्रॉमिस डिपॉजिटेड बाई एंथनी रीड एंड द डेविड फिशर। ठीक है, एंथनी रीड की हम बात कर रहे हैं एंड डेविड फिशर की हम बात कर रहे हैं। एंथनी रीड एंड डेविड फिशर ये जो है लिखी गई है द प्राउडेस्ट डे जो है इन दोनों के द्वारा लिखी गई। किसके किसके द्वारा? सपोज कीजिए आपके सामने ऑप्शन दे दे कि द प्राउडेस्ट डे लिखी गई है एंथनी रीड प्लस आप कह सकते हैं चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, या फिर एंथनी रीड प्लस सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, या फिर डेविड फिशर प्लस चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है एंथनी रीड एंड डेविड फिशर। तो ध्यान रखिएगा, द प्राउडेस्ट डे वाज रिटन बाय होम, इट वाज रिटन बाय एंथनी रीड एंड द डेविड फिशर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, द स्टोरी ऑफ द बुक इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करते हैं आखिर इस द प्राउडेस्ट डे जिसको जो है एंथनी रीड और डेविड फिशर ने लिखा है, ये इसमें जो है किसके बारे में, इस द प्राउडेस्ट डे में जो है स्टोरी इस बुक में किसके बारे में है? फ्रीडम ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। देन हम कामायनी की हम बात करते हैं, कामायनी देखिए क्या लिखा हुआ है। कामायनी वॉज रिटन बाई फेमस हिंदी पोएट जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, कौन सा आप कह सकते हैं क्या कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया? तो हाँ, कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। ये जो है कामायनी की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये एपिक पोएट्री है, द एपिसोड ऑफ द मनु एंड श्रद्धा। तो आप बात कीजिए, आप अगर आपसे पूछता है कि कामायनी में क्या लिखा हुआ है, इसमें बच्चों एपिसोड ऑफ मनु एंड श्रद्धा इस चीज के बारे में जो है नैरेट किया गया है। कुछ और जो बुक्स हैं इनकी का जयशंकर प्रसाद जी की, वो कौन कौन सी है? आंसू, देन लहर, देन अजातशत्रु, देन तितली एंड कंकाल। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली एंड कंकाल, ये सभी के सभी बच्चों जो है किसके फेमस वर्क हैं? जयशंकर प्रसाद जी के फेमस वर्क हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, वरियर वरियर एल्विन स्टडीड बैगा ट्राइब एंड रोट अ बुक नेम्ड बैगा। तो देखिए यहाँ से पूछा हुआ है बैगा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? वरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया है। और इसमें बच्चों, इसमें जो है जस्ट वेट, ये जो हम बात कर रहे हैं बैगा की, तो बैगा जो है लिखा गया है बैरियर एल्विन के द्वारा, इसमें इन्होंने जो स्टडी की है बैगा ट्राइब की। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ही सजेस्टेड टू मेक नेशनल पार्क्स फॉर द ट्राइब्स। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों, इग्नाइटेड माइंड्स रिटन बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखिएगा, इग्नाइटेड माइंड किसके द्वारा लिखा गया? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन? ध्यान रखिएगा, इग्नाइटेड माइंड जिसने हम मिसाइल मैन कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात करें, ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछता है कि किसे जो है, कौन से भारतीय, कौन से राष्ट्रपति को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही, हु वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा इग्नाइटेड माइंड लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, इग्नाइटेड माइंड वॉज रिटन बाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो रोट विंग्स ऑफ फायर। तो इग्नाइटेड माइंड एज वेल एज विंग्स ऑफ फायर, ये दोनों के दोनों जो है बच्चों डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखे गए हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स ये किसके द्वारा लिखा गया? वीपी मेनन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वीपी मेनन के द्वारा लिखा गया। इट वॉज पब्लिश्ड बाय द लॉन्ग मैन पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट इन लंदन। देखिए अब सभी के सभी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जिससे जो है आपके प्रीवियस आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट एक और कोटेशन मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगी, ताकि बीच बीच में मैं कोटेशंस का यूज इसलिए करती हूँ सो दैट आप मोटिवेटेड रहें पूरे लेक्चर में, कहीं भी आपका ध्यान भटके बच्चों, तुरंत जो है इस कोटेशन से जो है आप मोटिवेट हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट लाइफ में डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा रहती हैं, तो कोशिश कीजिएगा फोकस करने की। एक बार मैं जो है कोटेशन बोलना चाहूंगी, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज। इतनी आप कह सकते हैं कि शांति से, इस प्रकार से आप जो है मेहनत हार्ड वर्क कीजिए, ताकि जब आप सक्सेसफुल हो, आपकी आप जब सक्सेसफुल हो वो जो है आवाज करें। तो लिखा हुआ वर्ड, वर्क हार्ड इन द साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज।
आज का जो जिस वाला पार्ट था बच्चों, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। एक दो क्वेश्चंस को हम जरूर देखेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया, हम लोगों ने पढ़ा भी था बच्चों, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रोट द बुक गीता रहस्य इन द मांडले जेल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गीता रहस्य जिसको बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया था, आखिर इन्होंने किस जेल में इस चीज को लिखा था, इस बुक को लिखा था गीता रहस्य को? तो बच्चों मांडले जेल में जो है गीता रहस्य लिखा गया है। हिंद स्वराज आप लोग को पता है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई, न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी के द्वारा। कॉमनवेल्थ की हम बात करें बच्चों, कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया। वहीं इंडिया विंस फ्रीडम की हम बात करें, इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखा गया है। आज देखिए जो जिस वाला पार्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया, बुक मैगजीन्स एंड देयर ऑथर्स के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बच्चों, उन्हें हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से वही आ गया, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? अभी हम लोगों ने पढ़ा था मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो है ऑटोबायोग्राफी है इंडिया विंस फ्रीडम, द बुक इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अबुल कलाम आजाद। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। बिफोर दैट लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट कोट जो कि बुद्ध, भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था, माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आप सिविल सर्वेंट सोचे कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं आप ये सोचे कि मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मींस बनना है, देन ओनली जो है आप कहते हैं ना, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप सिविल सोच रहे हो कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, एट द एंड जो है आप पाओगे कि आप हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क ड्रीम आपने देख लिया कि यू आर अ सिविल सर्वेंट, और वहां पे उसके साथ आप लोगों ने हार्ड वर्क किया, देन योर ड्रीम आपका जो सपना था उस हार्ड वर्क के साथ जो है आप कह सकते हो रियलिटी में बदल जाएगा, और लबासना तक जो पहुंचने के लिए आप सोच रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां तक जो है आप इजिली पहुंच पाएंगे। चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज्वाइन अवर चैनल रिचा यूपीएससी क्लासेस।